आज के समय में पेट में अफारा होना, गैस बनना और खाना अपच होना ये एक आम समस्या बन गई है। इसको ध्यान में रखते हुए जो मैं मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, जो कि एक मरते हुए इंसान को ज़िंदगी का दान भी दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी दी नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, कार्बोवेज का पूरा नाम कार्बो वेजिटेबलिस है। इसे वेजिटेबल चारकोल भी कहा जाता है। बर्च वुड को जलाकर होम्योपैथी पद्धति के द्वारा पोटेंटाइज्ड करके कार्बोवेज मेडिसिन को तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कार्बोवेज मेडिसिन के रोगी में पाए जाने वाले रोग लक्षणों के बारे में। शरीर से किसी भी तरह के रस या रक्त के नाश यानी लॉस होने की वजह से या किसी पुराने रोग से जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है की वजह से अगर जीवनी शक्ति कम हो जाए तो वहाँ पर कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए। जीवनी शक्ति कम होने पर रोगी का शरीर यहाँ तक कि उसकी सांसें तक ठंडी पड़ जाती हैं, माथा गर्म रहता है, रोगी में पलटने तक की क्षमता नहीं रहती, शरीर में अकड़न या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं रहती, रोगी कभी होश में तो कभी बेहोश सा रहता है, रोगी की नब्ज यानी पल्स कभी दिखती है तो कभी गायब हो जाती है या फिर रुक रुक कर और तेजी से चलती है, रोगी में हवा लेने की इच्छा प्रबल रहती है, पंखे की हवा करने को कहता है, कमरे की खिड़कियों को खुलवा देता है। जब रोगी में जीवनी शक्ति ना रहने के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कार्बोवेज का उपयोग कर देना चाहिए, जिससे कई बार कार्बोवेज रोगी के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है और उसे मौत के मुंह से खींचकर नए जीवन का दान देती है। कार्बोवेज का रोगी सुस्त, आलसी एवं मोटी काय का यानी मोटा होता है। कार्बोवेज के रोगी में खून ब्लड स्ट्रीम्स कैपिलरीज में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से शरीर जगह जगह पर नीला सा दिखाई देता है और शरीर ठंडा रहता है। अब जानते हैं कार्बोवेज के रोगी की मानसिकता के बारे में। कार्बोवेज का रोगी अंधेरे और भूत प्रेत से डरता है। अचानक ही रोगी की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। अब जानते हैं कि कार्बोवेज किन किन रोगों में उपयोग की जाने वाली मेडिसिन है। सिर दर्द। कार्बोवेज के रोगी का सिर दर्द अक्सर पीछे की तरफ हुआ करता है। हर तरह के दबाव से सिर में तकलीफ होती है, खासकर टोपी के दबाव से। सिर पर भारी बोझ सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे माथे को किसी भारी चीज ने दबाए रखा हो या फिर किसी कपड़े से बांध दिया हो। टोपी को हटा देने पर भी रोगी टोपी के दबाव का अनुभव करता है। इस तरह के सिर दर्द में कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए। किसी कड़ी बीमारी को भोगने के बाद या बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के बाल झड़ने लगे तो वहाँ पर भी कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। आँख का रोग। कार्बोवेज के रोगी की आँखों में भारीपन लगता है। पढ़ाई करते समय आँखों पर जोर देना पड़ता है। आँखों में जलन और पलकों के किनारों पर खुजली होती है। आँखों की मांसपेशियों यानी मसल्स में दर्द होती है। आँखों के सामने काले रंग के बिंदु या चित्तियां उड़ती हुई सी दिखाई देती हैं। इस तरह की आँखों की समस्याओं में कार्बोवेज मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। कान का रोग। खसरा यानी मीजल्स होने के बाद कानों में ड्राइनेस आ जाए, ड्राइनेस की वजह से बहरापन आ जाए तो वहाँ पर कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कानों के बीचों बीच यानी मध्य में कानों से पतली बदबूदार पीफ यानी पस बहती हो या कानों में मैल जमा होकर बहरापन आ जाए तो वहाँ पर भी कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। नकसीर फूटना यानी एपिस्टैक्सिस।
कार्बोवेज के रोगी की नाक से रोजाना खून बहता है, जिसे रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है और परिश्रम करने से ज़्यादा तकलीफ होती है। ये कार्बोवेज का विशेष लक्षण है। इस तरह की नक्सीर फूटने के रोग में कार्बोवेज लाभदायक मेडिसिन रहती है। मुंह का रोग। कार्बोवेज के रोगी की जीभ पर सफ़ेद या पीले भूरे रंग की मैल जमी रहती है। रोगी के मुंह का स्वाद कड़वा और मुंह से खट्टी सी बदबू आती है। सुबह के वक्त रोगी को उल्टी आती है। यहाँ पर कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए। कार्बोवेज के रोगी के दांत बहुत ढीले पड़ जाते हैं। मसूड़ों का मांस हटकर यानी रिट्रैक्ट होकर दांत की जड़ बाहर निकल आती है, जिसमें से खून निकलने लगता है। इस वजह से रोगी के कुछ चबाने पर दांतों से खून बहने लगता है। दांत साफ करते समय खून बहता है, दर्द होती है। इसलिए कार्बोवेज लक्षण मिलने पर स्कर्वी, पायोरिया जैसे रोगों में उपयोग की जाने वाली मेडिसिन है, जो कि अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। पेट संबंधित रोग। कार्बोवेज के रोगी को खाना खाने पर सीने और पेट में बहुत जलन होती है। खाना खाने पर आधे से एक घंटे के बाद पेट में भारीपन हो जाता है। पेट में वायु बनने लगती है और वायु आंतों में यानी इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो जाती है और पेट फूल उठता है। ऐसा लगता है मानो जैसे पेट अभी फट जाएगा। आंतों में इतनी वायु इकट्ठी होती है कि जिससे रोगी को लेटने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे दमा के रोगी को सांस लेने में होती है। डकार आने पर रोगी को थोड़े समय के लिए आराम मिलता है। पेट में इतनी वायु इकट्ठी होती है जिससे छाती की पसलियों पर दबाव पड़ता है, यहाँ तक कि दबाव और जलन पीठ और कमर तक चले जाता है। कार्बोवेज का रोगी पेट और कमर के इर्द गिर्द कोई भी कपड़ा सहन नहीं कर सकता, जिससे रोगी को कष्ट होता है। रोगी को जिगर के स्थान यानी लीवर में दर्द होती है। रोगी का पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है। पहले पहल रोगी को दूध, मांस और चर्बी शुदा खाना यानी फैटी मील पचता नहीं है। बाद में हल्का सा खाना भी पचता नहीं है। रोगी वही खाना चाहता है कि जिससे खाने से रोगी को तकलीफ बढ़ जाती है। कार्बोवेज के रोगी को कब्ज और अतिसार प्राय क्रम से यानी अल्टरनेटिवली होता है। एक बार कब्ज होती है तो फिर दस्त होने लगते हैं, रोगी को तकलीफ होती है। दोस्तों, बताई हुई पेट संबंधित रोगों में कार्बोवेज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मेडिसन है। इसके बिना होम्योपैथी की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका उपयोग आप निस्संदेह कर सकते हैं। घाव और हेक्टिक ज्वर। अगर शरीर के किसी घाव में बहुत जलन और तकलीफ रहती हो, जलन और तकलीफ रात के वक्त बढ़ती हो, घाव धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलता हो, कोई भी घाव सड़ने लगे यानी गैंग्रीन में बदलने लगे, तो वहाँ पर कार्बोवेज का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा खून दूषित होकर हेक्टिक ज्वर रहने लगे तो वहाँ पर भी इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे परिणाम देती है। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि कार्बोवेज को किस तरह से उपयोग में लाना है। सिर, आँख, कान, नाक, मुँह और पेट की समस्याओं में आप कार्बोवेज को 6 या 30 CH पोटेंसी में उपयोग में लाएं। इसको 2 बूंद की मात्रा में खुराक लें दिन में 3 बार। और वहीं अगर टाइफाइड, कॉलरा, हैमरेज जैसे रोगों की वजह से जीवनी शक्ति कम हो, रोगी की कोलैप्स्ड स्टेज आ जाए, तो इस परिस्थिति में आप कार्बोवेज को 200 पोटेंसी में उपयोग में लाएं। 2 बूंद की मात्रा रोगी की जीभ पर डाल दें। इससे काफ़ी अच्छे परिणाम आते हुए देखे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन, हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया।